नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्राचीन रामबाण नुस्खे पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडाइजेशन की, अपचन जिसको बोलते हैं। कभी कभी ज़्यादा खाना खा लेने पर खट्टी डकारे, बदहजमी हो जाती है, उल्टी, जी मचलाने जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, सीने में भी जलन होती है। इससे ये बहुत आम बीमारी है, हो भी जाती है आसानी से और जल्दी ठीक भी हो जाती है। तो आज इसको ठीक करने का हम आपको एक बढ़िया नुस्खा, घरेलू नुस्खा बताएंगे, जिससे आप इंडाइजेशन को कुछ ही मिनटों में ठीक कर सकें और इससे राहत पा सकें। दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत चीज़ जो होती है कि आपका शरीर जठराग्नि जो कहते हैं जिसको, जिससे डाइजेशन होता है, उसको प्रॉपरली तैयार नहीं कर पाता है। तो हम कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिससे ये आसानी से इम्प्रूव हो आपका डाइजेशन और आप इस प्रॉब्लम से क्विकली आराम पाएं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने के पहले जो भी दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर आए, उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। दोस्तों, आप यहाँ पर एक लाल बटन देख रहे हैं, इसको दबाकर हमारी सदस्यता जरूर ले लें ताकि आप हमारे वीडियो रोज देख पाएं और हमसे जुड़े रहें। तो दोस्तों, इसको आप दबाकर हमारी सदस्यता लेते हैं, तब आपको यहाँ पर सदस्यता जोड़ा गया लिखा हुआ आएगा, साथ ही यहाँ पर इस बटन का लाल कलर भी खत्म हो जाएगा। ये दोनों चीज आप ध्यान करें। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था इंडाइजेशन की। इंडाइजेशन के लिए सबसे आसान सर्वसुलभ औषधि है घरेलू एप्पल साइडर विनेगर। इसको सेब का सिरका भी बोलते हैं, घरों में जनरली यूज होता है, अधिकतर खाने में इसका यूज होता है। तो इसको आप एक चम्मच लें और उसको पानी में हल्का कुनकुना कर लें, पानी बिल्कुल कुनकुना सा, हल्का गरम, और उसमें एक चम्मच इसको डालें, एक चम्मच शहद डालें, दोनों को मिलाकर पी लें। बस सिंपल नुस्खा, बहुत आसान और सरल। इसको पीने के बाद में आप इसको रिपीट करें, अगर आपकी समस्या खत्म नहीं होती है तो इसको एक बार और रिपीट कर लें। दिन में 2 या 3 बार इसको आपको मैक्सिमम लेना होगा और आपकी जो बदहजमी की समस्या है वो डेफिनेटली ठीक हो जाएगी और आपको तुरंत, मतलब इसका जो अब असर होगा तो आपको वापस से भूख भी लगने लगेगी, चाहे आप कितने ही खा के बैठे हो। तो दोस्तों, ये बढ़िया नुस्खा है, इसको जरूर एक बार ट्राई करें। जब भी आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो, ये आपको क्विक आराम देता है, तुरंत फुरंत में आराम देता है। दोस्तों, इसके सिवा दूसरा जो नुस्खा है, अगर मान के चले सेब का सिरका आपको नहीं मिल पाए, उस स्थिति में इंडाइजेशन के लिए सबसे अच्छी चीज है बेकिंग सोडा। घर में यूज होता है, ये भी खाने में यूज होने वाली चीज है। बेकिंग सोडा को आपको एक गिलास पानी में, आधे गिलास पानी में, आधा चम्मच, एक चम्मच, जितना आप लेना चाहें प्रॉब्लम के हिसाब से। अगर आपको ज़्यादा हो रही है प्रॉब्लम तो आप एक चम्मच ले सकते हैं, कम हो रही है तो आधा चम्मच लें, आधा चम्मच आधे गिलास पानी में ले लें। इसको एक दो बार रिपीट करें, ख़त्म, आपको बिल्कुल इंडाइजेशन की प्रॉब्लम इससे ख़त्म हो जाएगी। तीसरा बहुत सिंपल घर में यूज होने वाला जीरा, इसको भून लें आप तवे पर, हल्का भूनने के बाद इसको पानी में मिलाएं, मिलाकर थोड़ा सा काला नमक और पी जाएं, ये भी आपको तुरंत राहत देगा इंडाइजेशन से। तो दोस्तों, ये बहुत ही सरल घरेलू नुस्खे हैं, इनको यूज़ करें, अपनी अपच, इंडाइजेशन, बदहजमी को दूर करें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अच्छा नहीं लगा हो तो कमेंट करें और डिसलाइक करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।